कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश में धीरे धीरे कम होने लगी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले में कमी आने लगी। रविवार को 3,375 मामलों की पुष्टि हुई। केस अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल से वैक्सीनेशन प्रभावित होने की जानकारी मिली। यहां आज से करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर बैठ गए। खरगोन में कोरोना केस प्रतिदिन आ रहे हैं, वहीं अब जिले में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। करीब 19,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ANM, AU, नर्सिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई कर्मचारी मुख्य पदों पर कार्यरत है, उनके इस फैसले के बाद जिले में टीकाकरण के साथ किल कोरोना अभियान के तहत होने वाली सर्वे भी प्रभावित होगा। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने 18 मई को जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा था। सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना महामारी में तन मन लगाकर अपनी सेवाएं दी है, जिसमें हमने अपनों को खोया है। इस महामारी में हमें फ्रंट लाइन में खड़े होकर सरकार का साथ दिया है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आज हमारे सभी साथियों सहित हर जिला तहसीलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। भिकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने जो NHM के कर्मचारी हैं, आज हड़ताल किए हम लोगों ने। हमारी मांग है कि जो श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने 5 जून 2018 को संविदा कर्मियों के लिए नीति लागू की थी कि रेगुलर कर्मचारियों के वेतनमान का 90% इन्हें भी दिया जाएगा, हमारी वो मांग है, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। जबकि अन्य विभागों में ये 90% का वेतनमान संविदा कर्मचारियों को मिलने लगा है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। जो नीति हमारे लिए पारित की गई है उसका हमें पूरा फ़ायदा दिया जाए, और इसके लिए सभी कर्मचारी आज चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। हमने 15 दिन पहले हमारे हेड ऑफिस CMHO में इसकी सूचना दे दी थी कि हम 24 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे, उसके पहले हमारी मांगों का निराकरण किया जाए, अन्यथा इसके बाद जो भी गंभीर समस्या बनेगी कोविड के लिए और भी स्वास्थ्य सेवाओं को में जो दिक्कतें आएगी उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी और हायर जो CMHO विभाग है उसकी रहेगी। हमारी मेन मांग यही है कि 90% दिया जाए, और साथ में जो सपोर्ट स्टाफ और निष्कासित लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से NHM में अपनी सेवा दे रहे थे, उन्हें किसी कारण से कोई नीति बंद हो गई है या किसी कारण से निकाला गया है, उन्हें वापस लिया जाए और उन्हें भी 90% का फ़ायदा दिया जाए। सर, ये हड़ताल यही हो रही है कि राज्य में? ये हड़ताल पूरे राज्य में हो रही है और सभी लोग इसमें पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। सभी जगह संविदा का जो भी काम है वो बंद है। सर, आज के दिन? आज से बंद है। आज के दिन, आज से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा काम बंद रहेगा। देश अभी इस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या ये सुबह देता है करना? देश ये परिस्थिति पिछले 1.5 साल से गुजर रहा है और सभी संविदा कर्मचारियों ने तन मन धन से अपना सहयोग दिया इस महामारी से उभरने में। कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और वो कोरोना की जंग हार गए और भगवान को प्यारे हुए, लेकिन सरकार ने हमारे इस बलिदान का हमको कहीं मोल नहीं दिया, कमी हमारे इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब हमको मजबूरन होकर ये हड़ताल करना पड़ी कि शासन हमारी जायज मांगों को ध्यान दे और हमारी जायज मांगों को पूरा करे। जो वैकेंसी निकलती है जी, उसमें छूट दी जाएगी तो फिर उसका नहीं योजना है? देखिए दो चीजें होती है। NHM में जितनी भी भर्ती हुई है अधिकांश भर्तियां एग्जाम के थ्रू ही है, मतलब आप कहीं ना कहीं एग्जाम दे के आए हो। रेगुलर में भी एग्जाम होती है, कोई वहाँ अलग से नहीं होता। दी जाएगी ना? नहीं, ऐसा प्राथमिकता का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। और जब हम एग्जाम पास करके आ रहे हैं, वही सिलेबस है, वही कोर्स है, तो फिर अलग से एग्जाम क्यों दिए हम? NHM में भी जो भर्तियां हो रही, अधिकांश भर्तियों पे लोग एग्जाम दे के आए हैं। जब हम वही चीज़ एग्जाम दे के आए हैं तो हमें यहाँ पे समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हम जो पिछले 8 से 10 वर्षों से काम कर रहे हैं वो भी आधे से भी कम सैलरी में। हमने कई बार सरकार को अवगत भी कराया कि हमारी मांग, हमारा जो वेतन है जो आपने नीति लागू की वो हम पे भी लागू की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। सभी पूरे MP में है ना? NHM का आधी तरफ सैलरी मिलती है? हाँ, सभी NHM जितने भी कर्मचारी हैं उनको आधी सैलरी मिल रही है, लेकिन जिससे दूसरे विभाग है, खेल विभाग है, पशुपालन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग मेरी जो लोक स्वास्थ्य परिवहन का कल्याण अंतर्गत उनकी संविदा नियुक्ति हुई थी उनको भी 90% मिल गया है, लेकिन अभी NHM को हमको नहीं मिला है। अभी ज्ञापन हमने भगवान जी को दिया है, 15 दिन पहले कलेक्टर मैडम, CMHO सर सभी को दिया था। हमारी मांग जो मुख्य मांग है 90%, और जो हमारे निष्कासित साथी है उनको वापस ले ली सरकार।
सर संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल की है, इसमें सर प्रभाव क्या हुआ, मतलब सर आपने क्या किया? आज हमारे जो 40 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर आवेदन प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ये लोग लंबे समय से सेवाएं देते आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, इनके जाने से अगर ये लोग स्ट्राइक करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पे काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहे हैं सारे, वैक्सीनेशन हो चाहे किल कोरोना हो चाहे कोविड में जितनी भी एक्टिविटी हैं उनमें सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो सभी पर प्रभाव तो पड़ेगा। सर अभी व्यवस्था की है सर, आज इन्हें हड़ताल करी तो फिर आपने आज कुछ ये सब बंद है सर? नहीं नहीं नहीं, इनका एक्चुअली में अभी जो हमारे रेगुलर स्टाफ है और जो अदर कोविड में अस्थायी स्टाफ है वो अभी सेवाएं दे रहे हैं, बट उसमें अभी कुछ जो हमारे टारगेट्स रहते हैं उसमें मतलब टारगेट होने की संभावना प्रभावित होगी। इसका क्या करेंगे सर, प्रयास क्या रहेगा आपका? प्रयास यही रहेगा कि हम लोग शासन से भी मांग करेंगे कि इनका जल्दी से जो भी निराकरण है आगे का जल्दी से शीघ्र निराकरण हो, ताकि जो हम शासन की तरफ से जितने भी शासकीय प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका अच्छे से प्रोग्रेस मिल सके। देखो पहले ही निवेदन कर चुके हैं ये लोग जी, इन लोगों जैसा कि आप बता रहे हैं ने पहले भी ज्ञापन दिया था, SDM साहब को भी दिया है, तो इनका जो भी ज्ञापन है वो वरिष्ठ कार्यालय को हमने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया है, जो भी कार्रवाई होना है स्टेट लेवल से होना है, भोपाल स्तर से कार्रवाई होना है। कुल कितने कर्मचारी हैं ये? अभी मुझे 40 लोगों का अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, 40 लोग हैं तो काम तो प्रभावित होगा ऑब्वियसली। ये 40 लोग पूरे ब्लॉक में काम करते हुए है ना? हाँ हाँ, तो ब्लॉक की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्रभावित होगी इनसे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की बहुत संभावना है, फिर भी हम लोग अपने स्तर से जितना अपन दूसरे स्टाफ को वो मोटिवेट कर सकते हैं या मोबिलाइज कर सकते हैं वो करेंगे। सर वैक्सीनेशन में इनमें से कितने लोग लगे हुए थे अगर देखा जाए? वैक्सीनेशन में काफ़ी लोग हैं, जिसमें ये संविदा ENM है, अपने डाटा ऑपरेटर्स हैं, हमारे BPM यूनिट में काफ़ी काम जो चल रहे हैं वो सारे प्रभावित होने की बहुत संभावना है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर असर पड़ेगा फिर इनके? पड़ सकता है, पड़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।